में हीलिंग स्पेल डाल देते हैं, साथ में पीछे से आर्चर भी डालते हैं। हे माय सियोसी फ्रेंड, कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे हो। तो चलो, आज फिर से TH6 पर हम आ चुके हैं और एक टू अटैक दिखने वाला है। अटैक होगा विजार्ड और आर्चर के साथ। चलो देख कर आते हैं अटैक। तो इस बेस के ऊपर हम लोग चैलेंज करेंगे, तो देखते हैं 3 स्टार मिलते हैं कि या नहीं, या 2 स्टार मिलते हैं, को जो भी होगा इस अटक के द्वारा देखा जाएगी। तो ऐसे अटक देखने के लिए चैनल को लाइक करो और शेयर करो। चलो पहले छोड़ते हैं विजार्ड को, नहीं पहले आर्चर को छोड़ देते हैं, ये आर्चर टावर को टेक डाउन कर सके। उसके साथ पीछे ही छोड़ते हैं विजार्ड, साथ में एक हीलिंग स्पेल डाल देते हैं यहाँ पर, ताकि विजार्ड को नुकसान ना पहुँचे। ओ शेट, स्प्रिंग डब था तो मेरा 2 विजार्ड उड़ गया। ओके नो प्रॉब्लम, बडबियन को भी यहाँ पर छोड़ देते हैं और एक तो हीलिंग स्पेल यहाँ पर जाएगी। अभी विजार्ड सारे को सारे छोड़ देते हैं, देखते पूरा अटैक हो पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर जाएगी एक टू हीलिंग स्पेल। एक स्टार हमको मिल चुके हैं 34% में। एक स्टार, ओके वेरी गुड अटैक। तो फिर एक टू अटैक देखेंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत टू प्रीव्यू रेडी करना पड़ेगा। अब चलते हैं TH9 के ऊपर, वहाँ पर एक तो ड्रैगन अटैक। यह मेरा TH9 का बस, कैसा है दोस्तों कमेंट से बताओ। फुल तो नहीं हुआ लेकिन इसको फुल करना पड़ेगा। हाँ फुल हो गया। चलो ड्रैगन और चलो विजर्ड के साथ एक तो अटैक देख कर आते हैं। इस अटैक में हम 3 स्टार लेने की कोशिश करेंगे, देखते कौन सी बस पर अटैक हो पाएगी। इस बेस के ऊपर करेंगे, चलो करके देखते हैं एक बार। यहाँ से सारे विजार्ड साथ में हीलिंग स्पेल डाल देते हैं, साथ में पीछे से आर्चर भी डालते हैं। और ड्रैक को इधर से डालते हैं, लाइटिंग स्पेल के द्वारा इस रॉकेट को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। हीरोस को इस तरफ से छोड़ देते हैं ताकि ये जो एक्सपो है इसको टेक डाउन कर सके। इसमें 3 स्टार आना चाहिए दोस्तों, तो देखते हैं 3 स्टार होते हैं कि नहीं। और ये जो है इसको टाउन हॉल के लिए छोड़ देते हैं। बड़ा किया जाए, किंग को भी इधर से घुसाते हैं। किंग रॉकेट को टेक डाउन कर रहे हैं, नहीं किंग रॉकेट को टेक डाउन कर रहा है।
ये एक ड्रैगन का पूरा तो टेक डाउन कर पाएगी, यही देखना बाकी है। कैनन की बॉडी है, कैनन को टेक डाउन कर रहे हैं ड्रैगन, लेकिन टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 18 सेकंड है बाकी है स्टेप। 91% में स्टेप एक्स्ट्रा। ओ शिट, नहीं हो पाए पूरा अटक, लेकिन लूट हमें बहुत सारा मिल गए हैं और 93% भी आ गए हैं रेक्स्टार के साथ। तो चलो दूसरा एक अटक भी देख लेते हैं इसके साथ साथ, इस बेस का बड़ी करेंगे, इस बेस का बड़ी अटक करेंगे हॉग और विजार्ड आर्चर से। साथ में है 5 स्केलेटन स्पेल और 2 हीलिंग स्पेल, हीरोज भी साथ में है। तो चलो देखते हैं बूस्ट के साथ ये अटैक होगा। पहले हॉक को छोड़ दिया गया है, अब इसके पीछे विजर्ड को भी छोड़ेंगे। 3 स्टार हो जाना चाहिए। अब इस तरफ से क्वीन को छोड़ते हैं और यहाँ पर यह जो स्केलेटन स्पेल है इसको डालते हैं। अच्छा कोई ने एलेक्सा स्टोरेज को टेक डाउन कर चुके हैं। अभी कैनन की बारी है, कैनन को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैनन भी टेक डाउन हो चुके हैं। एक मिनट 16 सेकंड में आधा बेस टेक डाउन हो चुके हैं। एक्स्ट्रा 88% में। इस विजार्ड 7 ड्रैगन और हीलिंग में लेना है 2 रेगा, 2 हीलिंग और 1 लाइटिंग। नेक्स्ट अटैक पे 1 लाइटिंग, 3 स्केलेटन, 2 रेगा, 2 लाइटिंग ये नेक्स्ट अटैक में, और उसके पहले अटैक में आएगी 1 लाइटिंग, 2 हीलिंग और 2 रेगा। यहाँ पर 2 भी सेट करते हैं 4 ड्रैगन के साथ और जाएगी 4 ड्रैगन, और बाकी सारे विजार्ड 15 विजार्ड। अभी रिसर्च सेंटर में ट्रूप अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड करते हैं और अभी अपग्रेड बिठाएंगे। तो देखते हैं क्या बिठाएंगे, पहले तो थोड़ा बहुत वॉल को कंप्लीट कर ले। ट्रेजरी में देखते हैं क्या है, बारबियन किंग को अपग्रेड बिठाते हैं, गोल्ड स्टोरेज को भी अपग्रेड बिठाते हैं। गोल्ड स्टोर एलेक्जर कलेक्टर अपग्रेड होने में सिर्फ 28 सेकंड बचा हुआ है, टावर को बिठाते हैं। सेकिंग ईयर माइन को बिठाते हैं, अभी न्याय आया है, जान वो मिटाता है 6 घंटे के लिए।
6 घंटे के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए अटक नई जोश नई गेम के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट गुड बाय। और अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि अगले हर वीडियो तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ओके, गुड बाय।